दोस्तों अक्सर हमें पार्टीज और रेस्टोरेंट में जाकर स्प्रिंग रोल सिगार रोल्स खाना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन फिर भी हम इन्हें घर पर कभी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि या तो आपके ग्रोसरी शॉप में इसकी शीट्स अवेलेबल नहीं होती या आपको इन्हें घर पर बनाना भी नहीं आता। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपा अग्रवाल और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर पर स्प्रिंग रोल शीट बनाने की एकदम आसान रेसिपी, जिसे आप 4 से 5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं स्प्रिंग रोल सिगार रोल शीट्स आपके फेवरेट चैनल दीपास डेलिकेसीज पर। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 1 कटोरी ऑल पर्पज फ्लोर मतलब मैदा। आप चाहे तो इसमें गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। और 1 कटोरी मैदा में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, जिससे कि ये शीट्स तलने के बाद में थोड़ी सी क्रिस्पी भी होगी। इसमें हम डाल देंगे लगभग 1/2 चम्मच नमक, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। और अब हम इसका पराठों के जैसा आटा लगाकर तैयार करेंगे। बहुत नरम आटा हमें नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा हार्ड डो भी हमें नहीं लगाना है। 1 कटोरी मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में 8 से 9 सिगार रोल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा आटा लगाकर तैयार है। देखिए बहुत नरम नहीं है ये और एकदम सख्त आटा भी हमने नहीं लगाया है। अब इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और हमारी शीट्स एकदम अच्छी बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों मुझे इस आटे को ढककर रखे हुए लगभग 1/2 घंटा हो चुका है। इसे हम एक बार फिर से हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसे एक सार कर लेंगे। अब हम इस आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। पूरी के लिए जितनी बड़ी लोई हम तोड़ते हैं उतनी बड़ी लोई हम तोड़कर तैयार करेंगे और इन्हें हम गोल गोल इस तरह से शेप कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी सारी की सारी लोई यहाँ पर बनकर तैयार है। अब हम इसमें से 1 लोई उठाएंगे, इसे सूखे आटे में हल्का सा रोल करेंगे और इसे पूरी की तरह बेल कर तैयार कर लेंगे। अगर आटा रोलिंग बोर्ड से चिपकने लगे तो हम इस पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे और इस तरह से फिर से इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। हमारी 1 पूरी यहाँ पर बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारी लोइयों की पूरियाँ बेलकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी लोइयाँ यहाँ पर पूरी की तरह बेलकर तैयार है। अब हम इसमें से 1 शीट ले लेंगे और इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पराठों पर लगाते हैं। आप चाहे तो घी या तेल या बटर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से पूरी तरह इस शीट पर फैला देंगे। और इस पर हम डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा या आटा, किनारे से भी अच्छी तरह से डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से फैला देंगे। और अब हम ये दूसरी पूरी की शीट को इस पर किनारे से मिलाते हुए रख देंगे। हमें इस पर तेल और सूखा आटा इस तरह से फैलाना है कि इस पर बीच में इन दोनों पूरियों के बीच में एक लेयर आ जाए। और अब हम इसे फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर दोनों पूरियों को अच्छी तरह से चिपकाकर किनारों किनारों से ज़्यादा बेलेंगे। बीच में बहुत ज़्यादा जोर लगाकर हमें इसे नहीं बेलना है और इन दोनों शीट्स को चिपकाकर अच्छा पतला होने तक बेल लेंगे। तो हमारी ये रोटी यहाँ पर बेलकर पूरी तरह से तैयार है। लगभग रोटी का साइज का मैंने इसे बेल लिया है। दोस्तों अब हम एक तवा या पैन एकदम हल्का गरम करने रख देंगे और अब तवा एकदम हल्का सा गरम हो जाए तब हम इस पर डालेंगे एकदम 1/2 चम्मच तेल और इसे हम टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से पूरे तवे पर ग्रीस कर देंगे। बस हल्का सा इसे चिकना करना है और इस पर हम ये हमारी बनाई हुई रोटी सेकने के लिए रख देंगे। हमें रोटी को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सेकना है, एकदम हल्का सा इसे सेकना है। देखिए तवा इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि हम इसे हाथ न लगा सके, एकदम हल्का गर्म हमें करना है। हम इसे इस तरह से हल्का हल्का कपड़े से या टिश्यू पेपर की मदद से घुमा लेंगे। देखिए हल्के हल्के वाइट पैचेस इस पे आने लगे हैं और हल्की सी ड्राई हमारी ये रोटी हो चुकी है। बस इतना ही हमें इसे सेकना है और अब हम इस रोटी को सेक कर तवे से निकाल लेंगे। दोस्तों हमारी ये रोटी यहाँ पर सेक कर तैयार है। अब आप इसके किनारे देख सकते हैं, जहाँ से भी थोड़ी सी ओपनिंग नज़र आए वहाँ से हम इसे खोलने की कोशिश करेंगे। अब आपको समझा कि हमने इसके बीच में
तेल और सूखा आटा घी लगाया था ताकि ये आसानी से खुल सके। देख सकते हैं आप कितनी पतली हमारी ये शीट्स बनकर तैयार हुई है। मेरी हाथों की उंगलियां आपको इसमें से नजर आ रही है, मतलब ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और एकदम पतली हमारी ये शीट्स बनकर तैयार हुई है। पहली वाली शीट को हमने गोल बनाकर तैयार किया था, इसे हम स्क्वायर बना लेंगे और इसे हम खोलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी कुछ स्क्वायर शीट्स बनकर तैयार है। देखिए उतनी ही पतली है, उतनी ही ट्रांसपेरेंट है। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, आप चाहे तो स्क्वायर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इन शीट्स को 4 से 5 दिन के लिए एक लॉक बैग में भरकर फ्रीज में स्टोर कर भी रख सकते हैं और जब जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हो गया ना स्प्रिंग रोल्स और सिगार रोल्स घर पर बनाना कितना आसान। तो दोस्तों जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपकी स्प्रिंग रोल शीट्स कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपीज और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।